अगले महीने शुरू हो जाएगी देश की पहली रैपिड रेल। 3 घंटे नहीं मात्र 50 मिनट में पूरा होगा दिल्ली मेरठ का सफर। रैपिड एक्स के नाम से जानी जाएगी देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन। देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन अगले महीने यानी कि जून पर पटरियों पर दौड़ने लगेगी। एनसीआरटीसी ने रैपिड रेल को रैपिड एक्स का नाम दिया है, जो दिल्ली से मेरठ के सफर को बेहद आसान बना देगी। रैपिड एक्स में आपको कंफर्ट, सेफ्टी और स्पीड का ट्रिपल कॉम्बो मिलेगा। इसके शुरू होने के बाद आपको दिल्ली से मेरठ जाने में 3 घंटे नहीं मात्र 50 मिनट का समय लगेगा। रीजनल रैपिड रेल के लिए दिल्ली से मेरठ के बीच एक कॉरिडोर बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें से 14 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में है, जबकि 68 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। दिल्ली में ये ट्रेन जंगपुरा से शुरू होगी और फिर सरायकाले खां, फिर न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद होते हुए गुलघर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर से मोदीपुरम डिपो पहुंच जाएगी। जनवरी में इस रूट पर रैपिड रेल का सफल ट्रायल किया गया था और अब ये ट्रेन पटरियों पर भागने के लिए तैयार है। जून में इसके पहले फेज का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। पहले फेज में रैपिड एक्स साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलघर, दुहाई और दुहाई डिपो तक चलेगी। रैपिड एक्स 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। योजना के मुताबिक दिल्ली से मेरठ के रूट पर कुल 30 रैपिड रेल चलाने की योजना है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 13 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। दिल्ली से मेरठ तक बन रही RRTS का काम दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जबकि मार्च 2024 तक साहिबाबाद से मेरठ सेक्शन और साहिबाबाद से दिल्ली सेक्शन का काम पूरा करने के लिए दिसंबर 2025 तक की समय सीमा तय की गई है। 6 कोच वाली इस रैपिड रेल का लुक बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह है, हालांकि साइड से ये मेट्रो की तरह नजर आती है। इसमें यात्रियों के बैठने के साथ साथ सभी सुविधाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। महिलाओं के आराम और सुरक्षा के नजरिए से हर ट्रेन में आगे से दूसरा कोच महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। इसके साथ ही हर कोच में 10-10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन में यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, सामान रखने की जगह, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम और अन्य तरह की सुविधाएं भी मिलेंगी। खास बात यह है कि कोच के आखिरी डिब्बे में स्ट्रेचर का इंतजाम किया गया है। अगर किसी मरीज को मेरठ से दिल्ली रेफर किया जाता है तो बहुत कम कीमत में मरीज को दिल्ली पहुंचाया जा सके। कुछ सालों पहले तक दिल्ली से मेरठ जाना किसी जंग से कम नहीं था, लेकिन पहले सरकार ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाकर करोड़ों लोगों को शानदार कनेक्टिविटी दी और अब सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन से उनकी जिंदगी आसान होने वाली है, क्योंकि यात्री बहुत कम पैसों में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ दिल्ली मेरठ के बीच सफर करेंगे। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी NCRTC दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि RRTS का नेटवर्क डेवलप कर रहा है। 198 किलोमीटर लंबे दिल्ली गुरुग्राम अलवर रूट और 103 किलोमीटर लंबे दिल्ली पानीपत के बीच भी रैपिड रेल जल्द शुरू की जाएगी, जिससे दिल्ली में चलने वाले वाहनों की संख्या में काफी कमी आएगी, जिससे जाम से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही लोगों को कम पैसों में आरामदायक सफर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।